इसलिए उनका ये पहना देंगे मोटे मोटे से कपड़े। ये वाला। अच्छा मेरे पास मेहंदी के लिए ना 2-3 ऑप्शन थे, कुछ ऐसे मेरे कपड़े हैं शादी के और मेरा ये है। पेंट कोट आपने बहुत इकट्ठे किए हुए हैं उल्टा है। तो ये देखें जी, मेरी बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी फ्रॉक है जी, ये मेरा सूट है जो मैं पहनूं। वाह जी वाह, मैं सिर्फ आपके कहने पे लगवा रही हूँ, बिलाल को मेरे काले हाथ पसंद नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। आपको पता ही होगा कि फैमिली में हो रही है शादी, और जब फैमिली में शादी हो तो तैयारियां करना किसको नहीं पसंद, और खास तौर पर लड़कियों को। तो समीना बताएं कैसी तैयारियां जा रही हैं आपकी शादी के लिए? मेरी सारी तैयारियां पहले से ही हुई हुई है, और मेरी भी हुई हुई हैं, लेकिन कुछ रहती भी हैं, समीना की भी रहती हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मेहंदी लगानी होगी समीना ने, सैलून वाली चीजें। और इस वीडियो में आप लोग मुझे देख रहे हैं दोबारा से, क्योंकि मैंने सारे नेगेटिव लोगों को ना उस डब्बे के अंदर बंद कर दिया। तो फाइनली समीना को मैं ले आया हूँ वापस। नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है, मैंने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दिया था। 10 दिन लाइफ विद बिलाल में कोई वीडियो नहीं गई, और मैं भी मतलब बिलाल भी चुप थे, मैं भी चुप थी, क्योंकि हमने सोचा था कि बस थोड़ा रेस्ट करें। हम लोग बल्कि गए हुए थे कहीं पे, हम जरा एंजॉय करने, अपना माइंड फ्रेश करने गए हुए थे। मुझे इतने फॉलोअर्स ने मुझे इतने इतने मतलब मिसालें दे दे के कुछ बातें बताई कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप इतनी छोटी सी बात पे दिल को छोटा ना करें, क्योंकि जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी बातें हो जाती है। तो जाहिर है, और वैसे भी अगर आप कहते हो कि आप बड़े पढ़े लिखे हो, तो आपको इन बातों को इग्नोर ही करना चाहिए। ये एक जहालत है शायद कि मैं भी ज्यादा दिल पे ले गई थी, तो इसको मैं मतलब मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं इंसान हूँ और गलतियां सबसे होती हैं, तो मैं ज्यादा दिल पे ले गई थी लोगों की बातों को। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों के लिए मैं जरूर आऊंगी, और नेगेटिव लोगों को ना नेगेटिव ही रहने दें, अल्लाह उन्हें नेक बिठा दो। कैसा लगा मेरा मजाक? पैंट कोट में ले आया हूँ निकाल के, जो मैंने पहनने हैं आज, और डिफरेंट है ये। अलीना की शादी पे मैंने दूसरे पहने थे, और यहाँ पे देखें दूसरे पहने, और इस शादी पर मैं दूसरे पहनूंगा, क्योंकि डिफरेंट लगना चाहिए ना इंसान को भी। थोड़े दिन पहले शादी हुई है, सेम ड्रेस। सही बात है। और बहुत से लोग जो है वो कह रहे थे आप लोग माइयों पे क्यों नहीं गए। माइयों पर हम इसलिए नहीं गए क्योंकि अम्मी ने कहा था कि आप रहने दो, क्योंकि इन्फा छोटी है, दूर जाना है लड़की वालों के घर, और फंक्शन भी छोटा सा घर में ही था, इतना बड़ा नहीं था। यहाँ पे देखें जी, हमारे कपड़े आ चुके हुए हैं, और इधर हमने अनफा के लिए कल का जो निकाला है ना, वो काफी मोटा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला, क्योंकि कल भी ना बाहर है, तो अम्मी ने कहा है कि ये पहनाओ उसको, क्योंकि कल ना प्लाट के अंदर है मेहंदी। हाँ, और घर भी जाना है उनके, तो इसलिए बाहर सर्दी होती है, तो इसलिए अनफा को ये पहना देंगे मोटे मोटे से कपड़े, क्योंकि वो ना वैसे भी थोड़ी सुस्त हुई हुई है, ऊपर ना इस पोर्शन में ठंड बहुत ज्यादा है, तो ये वो पहनेगी अनफा, और मैं पहनूंगी कल मेहंदी पे अपना ये वाला आउटफिट। ये देखें बिलाल दिखा रहे हैं, तो ये देखें इसकी डिटेल्स में अगर जाएं तो इसके हैं बाजू पे इस तरह से, और इस तरह से मैंने की है मैचिंग। यहाँ पे देखें, मैंने मैचिंग की है, और आप देखें क्या मैचिंग है, चेक करें आप। हाँ, हमारे हम दोनों की मैचिंग है। ये मैंने सलवार कमीज पहननी है वाइट, ठीक है। अब इसके ऊपर है क्या, आगे देखते हैं। वाओ, ये देखें वेस्ट कोट, ये है वेस्ट कोट मेरी, आपको दिखा रहा हूँ, कलर सेम है बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, मेरे पास मेहंदी के लिए ना 2-3 ऑप्शन थे, लेकिन उन 2-3 में से मैंने ये वाला चूज किया है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। वैसे मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी था, वो मेरा बिल्कुल जो है ना, कुछ ऐसे मेरे कपड़े हैं शादी के जो मैंने बिल्कुल भी टच ही नहीं किए हुए, ये वाला भी मेरे पास कलर था। बिलाल ये निकाल के दिखाएगा सबको, ये देखें ये वाला, ये वाला जो है ना, मैं भी बिलाल को पूरा दिखा रही थी, कर दिया मैंने, क्या नहीं ये वाला, ये भी बहुत प्यारा है। इसके जो बाजू है ना, मैंने समीना को मना कर दिया कि ग्रीन वेस्ट कोट मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास ये वाली है, तो बिल्कुल मैच हो रही है, जबरदस्त माशाल्लाह। हाँ, यानी कि ये हो रहा है। तो बताएं मुझे, बिलाल ने मुझे सही सजेस्ट किया कि नहीं, मैं वैसे वो पहनना चाहती थी, लेकिन ये हमारा पेयर हो गया मेहंदी के लिए। वो वाला ड्रेस ना थोड़ा सा हल्का लग रहा है, ये बड़ा प्रीमियम किस्म का हैवी, और सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो ये बेस्ट रहेगा। मैं क्या पहनूंगा नीचे, इनर पहन लेना ना। सही है, चलो ठीक है, ये होगी हमारी मेहंदी, और ये देखें अनफा, हमारी अनफा भी साथ आ गई। चलो जी, माशाल्लाह, चलो जी, ये हमारा पेयर हो गया पूरा, एक ना मेहंदी के फंक्शन का। अब सबसे पहले अनफा का बारात का, अब अनफा का बारात का, ये देखें, नहीं 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 वो नीचे, तो ये देखें,
ये देखें जी, अनफा हमारी बारात पे ये पहनेगी क्योंकि हॉल में जाना वाह। है तो वहां पे ज़ाहिर ठंड इतनी नहीं होगी, सही उम्मीद है। सही और इसके नीचे इसका इनर होगा, जी। तो अनफा का ये हो गया और बिलाल का, मेरा और मेरा ये है, अच्छा ये जी, इसके ये नीचे बाद में छुपा दिखाते है, हैं ये आप लोगों को बाद में भी दिखाएंगे। जी, ये यहाँ रख देते हैं अनफा का। चलें जी, ये मेरा क्या होगा, देखें देखते पेंट हैं कि कोट ही इसमें। होगा, हाँ, मैं पेंट कोट ही पहनता हूँ बरात पे। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें, क्या बात है, ये देखें, नया पेंट कोट वाह 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 वाह। पेंट कोट आपने बहुत इकट्ठे किए हुए हैं, जी, बहुत प्यारा है मैं ये पहनूंगा। नीला कलर। चेक करें, चलें और अब मेरा दिखा दें, जी, ये हो गया पापा का, वो हो गया अनफा का, अनफा का, मिनी माइनर से लिया है, और अब बारी है मामा की। मम्मा क्या पहनेगी अनफा मामा का की। ये वाला है, अब देखते बिल्कुल हैं, लड़कियां डिसेंट सा मैंने लड़कियों का लिया लास्ट में इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें जरा, एक सर मतलब कि एक सस्पेंस के लिए कर रही है मीना, तो ये देखें। है। उल्टा है। तो ये है जी रेड कलर की फ्रॉक, बिलाल खोले, खोल चले खोल लेते हैं, के दिखा जीप दे भी मोटी है थोड़ी इसकी, सी। हाँ अच्छा, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को, पूरा नहीं दिखाती, लड़कियां छुपाती हैं चीजें अपनी, बड़े लड़के नहीं छुपाते। मैं पूरा दिखा नहीं देता नहीं हूँ, नहीं देखें। नहीं नहीं मेरा सस्पेंस ना खराब करें आप। तो ये देखें जी, मेरी बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी फ्रॉक है, करिश्मा की फ्रॉक है ये, तो इस तरह की कुछ ये बनी हुई है, और इस तरह के इसके यहाँ पे हैं जी बाजू, तो ये मैं पहनूंगी बिलाल और अनफा के साथ पेयर जी, करके। अनफा और मामा पहनेंगी फ्रॉक और बिलाल पहनेंगे पेंट कोट। चलें अब मैं रख इसके दें, साथ ना रेड कलर की टाई पहन चलें लूंगा, ठीक है रख दें ठीक अब। है। हाँ रख दें रख और दें, एक और बात, ये मैंने समीना को गिफ्ट लेके दिया है शादी से पहले, शादी से और पहले पहना नहीं हुआ समीना ने अभी तक, नहीं फर्स्ट टाइम मैं पहनूंगी। किसी फंक्शन पे। मतलब जो शादी के कपड़े होते हैं वो ऐसे ही पहने जाते हैं ना, मतलब नेक्स्ट किसी शादी के ऊपर जो बरी होती है, मतलब बरी में जो मिलते हैं, तो ये मतलब कह सकते हैं आप मेरा वैसे ही बरी वाला कोई सूट है। पैक करें, ये हो गया जी अब बारात, जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ज्यादा लंबा मेरा नहीं कह रहे। वलीमा आ गया, अब वलीमा आ गया, तो वलीमा सबसे पहले मेरी डॉल का, डोल का वलीमा, डोल का, ये देखें ये बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह, ये है अनफा की, ये आप लोगों को लग रहा होगा सेम सेम, लेकिन ये सेम नहीं है, दो डिफरेंट है। जी, ये चेक करें जी, ये और इसके ऊपर है ये ऐसे करके ना, ये इस तरह ऐसे, से, ये ये ऐसे 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 ऐसे, हाँ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा जो है वो पीछे है, मरियम हुसैन का जोड़ा मेरा मिलता जुलता ही है, दिखाएं बिलाल, ये इसके साथ ही है, बिल्कुल सेम अनफा के साथ मेरी मैचिंग हो गई, कलर बिल्कुल। बिल्कुल सेम है। अब पापा की मैचिंग क्या होगी देखना पड़ेगा। ये चेक करें जी, ये मेरा सूट है जो मैं पहनूंगी, ये भी आप लोग इंशाल्लाह मेरा वलीमे पे पहने हुए देखेंगे कि मेरी लुक कैसी होती है। तो ये देखें जी, ये वाला होगा मेरा वलीमे का सूट, और ये अनफा के साथ मैं देखूंगी मेरी लुक कैसी होती है। ये तो देखो बिलाल के लुक, काला कोट, काला जोरा, काला जोरा, काला कोट, बहुत प्यारा है। तो चलें जी नीचे चलते हैं और जाके देखते हैं, मेहंदी वाली आई हुई है, तो चलें नीचे चलते हैं। जी जनाब, मेहंदी वाली बुलवाई हुई है आपने, वाह जी वाह, ताई अम्मी ने देखो मेहंदी वाली बुलवाई है, अनफा लगवाएंगी, अनफा मैडम ने नहाना है तो आपने नहीं लगवाई अभी, चलो सही है फिर, मुझे तो आपके हाथ की वैसे पसंद है, सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलती क्योंकि आपने मुझे लगाई थी ना चांद रात पे, वो बहुत अच्छी थी। हाँ लेकिन मैं सिर्फ आपके कहने पे लगवा रही हूँ, बिलाल को मेरे काले हाथ पसंद नहीं है, बिलाल कहते हैं तुम्हारे हाथ बहुत काले हो जाते। अच्छा जी, ये देखें दो बच्चों के साथ मामा की ड्यूटी, देखें एक को साइड पे लटकाया है और दूसरे की मैडम की क्या हो रही है, पोनी हो रही है, वाओ माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी लग रही है मोमना अभी, ये वाली मुझे बहुत, मैं भी ऐसी सोच रही हूँ लगवा लूँ, हाँ या फिर ये भी प्यारी है, अनमोल की कॉपी करूँगी मैं, अच्छा कर दूँ कॉपी, यहाँ लगवानी है मैंने, बस लगवा लूँ आपकी कॉपी कर लूँ, ना 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 ना, फिर सब कहेंगे सबसे प्यारी तो सच्ची है, वो तो कहना ही है सबने वो तो सबने कहना ही है प्यारी आप लगाओ, आप सिंपल ना लगाओ, सिंपल गंदी लगेगी, आप ना सबसे प्यारी उनकी लीव
चलो सही है। लग गई मेहंदी, जूता पहनो, जूता ठंड बहुत ज्यादा है। ये देखो, ओए मेरी बारी है मेहंदी की, मैं सिर्फ इस हाथ पे लगवाऊंगी क्योंकि फिर अनफा का डायपर वगैरह चेंज करना है और फिर अनफा रो भी लेती है ना, कितना रोती है ना आजकल, तो इस हाथ पे मैं मेहंदी लगाऊंगी, देखो कैसी लगती है क्योंकि शौक पूरा हो जाएगा मेरा भी। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं कॉपी तो करोगी नहीं? नहीं करती मैं कॉपी। चले जी, अब ऐसा है कि मेहंदी लगवाने से पहले ना मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मैं लेने जा रही हूँ अनफा के लिए उसकी कोई ज़रूरी चीज़, आपको पता ही है, उसका फिगर बनाने जा रही हूँ। तो बिलाल को भी बताती हूँ, बिलाल को वैसे मेरे हाथ पे मेहंदी पसंद नहीं है, कहते हैं हाथ काले हो जाते हैं, तो देखते हैं बिलाल क्या कर रहे हैं। चोरी चोरी ये देखो क्या कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, क्या हो रहा है? वीडियो एडिट हो रही है बस। आपकी बेटी और बीवी नीचे हैं, हम मेहंदी लगवा रहे हैं। लगवा लगवाने लगे हो? मैंने मना किया, नहीं लगाने। कोई बात नहीं, अब उन्होंने बुलवाया हुआ है और फिर एक हाथ पे लगवा लेती हूँ, शादी भी है। कोई बात नहीं, क्योंकि अब इस पे लगवा लेती हूँ ना, इधर ये काले नहीं लगेंगे, ये मेरे काले हैं इसीलिए कहते हैं और काले लगेंगे, इसलिए हाथ काले भी हैं। बात ये है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। अब बात ये है कि कमेंट करके बताएं किस किस के हस्बैंड को नहीं पसंद, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। अब मैं इसलिए मान रहा हूँ कि कोई चल के आया है कहीं से, कोई मेहमान है, हाँ, वो हाँ, बुरा लगता है अगर हम उसको इनकार करें। सही बात है, वैसे भी शादी है बिलाल की फैमिली में फर्स्ट, और मेरी फैमिली में हो चुकी है अलीना की फर्स्ट, है ना? ऐसे है। तो मैंने तब नहीं लगवाई थी क्योंकि तब ऐसा था कि हम बहुत मतलब मेहंदी की सुबह ही गए थे, तो अब कल है मेहंदी, कल हम लोगों ने जाना है, तो मैंने सोचा चलो अब लगवा लेती हूँ। वैसे भी मोमना भाभी ने काफ़ी कहा कि मेहंदी लगवाओ लगवाओ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सांस मुझे चढ़ के मैं अनफा का दूध लेने ऊपर आई। तो ये देखें ये टेबल, इस टेबल का इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना, बहुत फ़ायदा है इसका। कर लिया, हाँ कंबल ले लें आप आराम से, और इसकी क्वालिटी नंबर वन है। यहाँ पर यूएसपी तारे वगैरह रखी हुई है मैंने, ये देखें। सही बात है, बहुत अच्छा है। चले अब मैं बनाती हूँ अनफा का मिल्क, और ये उसकी यहाँ पे पूरा सेटअप है अनफा का, पूरी ट्रॉली सजी हुई है अनफा की माशाल्लाह, तो इसमें हमने सब कुछ रखा है। मैं ये फटाफट करती हूँ क्योंकि मेरी ही बारी है, अनमोल को मेहंदी लग चुकी हुई है, अब मेरी टर्न है, तो मैंने उनसे कहा मैं आती हूँ क्योंकि अनफा को दूध पिला दूँ पहले मैं। तो चलें ठीक है, फटाफट से अनफा का दूध बनाते हैं और फिर नीचे जाके मेहंदी लगवाते हैं, देखते हैं कैसी मेहंदी लगती है। चले जी, अब मैं लगवाने लगी हूँ मेहंदी, ये मैंने गर्म पानी की बोतल ले ली है, चलो आ जाओ देखते हैं मेहंदी लगाते हैं। आई आपने सीधे हाथ पे लगानी है? मैंने सीधे हाथ पे लगानी है, वो भी एक बंदे के कहने पे, ओए एक बंदे के कहने पे लगवानी है मैंने। चलें जी आ जाएं, उल्टे हाथ पे लगानी है, कॉपी इसकी करनी है। ना 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 ना, कॉपी ना कराना मेरी, मजाक कर रही हूँ, कॉपी इधर होनी है, सबको डिफरेंट लगी है ना। हाँ चले मम्मी भाभी, थैंक यू मुझे मेहंदी लगवाने के लिए, अब मैं जा रही हूँ अपनी बाकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये हैं जी हमारे सारे ड्रेसेस, हमारी तैयारियाँ और हमारी मेहंदी, और बस अब हम कल जाएंगे मेहंदी पे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंप्लीट है, और अब हम इंजॉय करेंगे शादी पे, और अब कल जरा मतलब अपने आप को फ्रेश भी करेंगे क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं हालत, अभी मेरी आईब्रोज भी सुबह होनी है, और क्योंकि मैं अनफा के साथ नहीं जा सकी कुछ महीना, कल से तबीयत भी बहुत ज्यादा डाउन है। ऐसे अब ऐसा है कि बहन भाइयों की शादी में भी इंसान को काम होते हैं, बिजी हो जाता है, अब ऐसा कजन की शादी है, ना कोई काम है ना कुछ, आराम से जाना है हाल में, खाना खाना है, एंजॉय करना है, वीडियो शीडियो बनानी है, और आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बस एंजॉय करेंगे, तो और अल्लाह ताला खैर करे सबकी। हाँ जी, तो चलें ठीक है, ये छोटी सी हमारी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, बिल्कुल, तो सब्सक्राइब करें, और समीना के इंस्टा को फॉलो करें, समीना बिलाल, समीना बिलाल, कल आप लोग देखिएगा हम लोग कैसे लगते हैं। हाँ जी, चलें अल्लाह हाफिज।